सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कुछ इस टाइप से आज फेस स्मूथ करके दिखाने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है, इस टाइप से HD क्वालिटी में फेस स्मूथ करके आप लोग और वाइटनिंग करके पोस्ट कर रहे हैं, तो 110% जो है कि वायरल होता है। आप लोग आदित्य भाई का हर एक पोस्ट जो है कि देख सकते हैं, जा करके चेक कर सकते हैं, वायरल है। एंड अभी आप लोग को चल के मैं इंस्टाग्राम पर दिखाऊँगा भी इस टाइप का फोटो कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस टाइप का फोटो एडिटिंग आखिर हो कैसे रहा है, ठीक है ना। ओनली फॉर आदित्य भाई ऐसे करता है और मेरे आडियक्स भाई करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना। एंड मैं कर रहा हूँ। एंड देखिए इसका ओरिजिनल पिक ये है, ठीक है। इसका ओरिजिनल पिक काफी बेकार, यहाँ पे देख सकते हो डार्कनेस दाढ़ी पे है, ठीक है ना। यहाँ हाथ पर भी डार्कनेस है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी फोटो को सेम, ठीक है ना, इस टाइप से एडिट करके आप लोग को हम दिखाएंगे। देखिए अभी HD क्वालिटी में कितना ज़्यादा HD क्वालिटी में इसका क्वालिटी दिखा रहे हैं। इसका क्वालिटी 13 MB का बन के रेडी हुआ है, ठीक है ना। तो जो है कि आप लोग भी चाहते हैं कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करके और फेस स्मूथ करके वायरल करना, तो आज का आपका आदित्य भाई बताएगा कि ऐसा हु बहू फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, वन क्लिक में फेस स्मूथ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन तरफ और बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता है। तो चलिए पहले अपने इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं। भाई देख सकते हैं मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर चुका हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है यहाँ पर, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ खोलते ही आ गया मेरा पोस्ट पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 23 मिनट हुआ है, 700 लाइक है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा होगा 23 मिनट में 700 लाइक, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग को इस टाइप से अगर फेस स्मूथ करना है ना, वाइट एंड तगड़ा तरीके से हार्ड HDR स्मूथ करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एंड देखिए अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं अपना प्रोफाइल खोल करके। तो देखिए मैं अपना प्रोफाइल ओपन कर चुका हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भी लोग अभी तक हमको फॉलो नहीं किए होंगे, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका आदित्य भाई 4,93,000 का फैमिली कंप्लीट कर चुका है। एंड आप भी फैमिली मेंबर बन सकते हैं यहाँ पे मुझको फॉलो करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को क्या करना होगा, वन क्लिक में फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर ओपन करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर ओपन कीजिए। एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग सर्च बार पे क्लिक करके और सर्च करेंगे यहाँ पे DHOT फोटो, ठीक है। डू फोटो क्लिक लिख करके सर्च करेंगे। एंड डू फोटो जैसे लिख करके सर्च करेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर आप लोग को ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एप्लीकेशन पे क्लिक करके और सिंपली आप लोग को इंस्टॉल पे क्लिक करके और फटाफट से जो कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। तो आप सब देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग ओपन पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली आना एप्लीकेशन में, ठीक है ना। एंड एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को क्या करना है, यहाँ से फोटो पे क्लिक करके और यहाँ से अलाउ पे क्लिक करके और अपना जो भी ओरिजिनल पिक होगा उस ओरिजिनल पिक को यहाँ से ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का फोटो एप्लीकेशन में ऐड होने के बाद देखिए, चलिए आप लोग को सबसे पहले बैकग्राउंड को एडिट करके दिखाते हैं एंड देर उसके बाद वन क्लिक में फेस स्मूथ करके दिखाएंगे, ठीक है। आज आपका आदित्य भाई पूरा का पूरा आप लोग को इतना होता है फोटो मैंने सब कुछ एडिट करके दिखाएगा, आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही वीडियो अपना फोटो ऐड होता है उसके बाद कुछ इस टाइप से नजर आता है, ठीक है ना, इंटरफेस। तो आप लोगों को सबसे पहले करना है एडजस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करने में देखिए इतना ज्यादा आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है, बट जो कि सारे ऑप्शन से आप लोग को मतलब नहीं रहता है, जो कि चलिए बताते हैं कि कौन से ऑप्शन से आप लोग को ज़्यादा मतलब रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कर्व पे क्लिक करना है, ठीक है। कर्व पे क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को देखिए इधर आप लोगों को नीचे के साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लैक का, ठीक है ना, बैक का। तो बैक का ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड बैक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर जो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से व्हाइट कलर को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक। उसके बाद से जो है कि दूसरे बार आप लोग क्या करेंगे, येल्लो कलर जो होता है ना, येल्लो कलर पर क्लिक करके और इसका जो कलर आप देना चाहते हैं ना वो कलर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अपने मर्जी के हिसाब से जो कलर दीजिए वो जो है कि आप लोग को अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। मैं तो येल्लो दिया था, लेकिन आप लोग को देखिए ऊपर येल्लो चाहिए तो येल्लो दे सकते हो, एंड आप लोग को ब्लू चाहिए तो नीचे ब्लू दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ब्लू देने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी क्या करना है, डन करना है, ठीक है। एंड चाहे तो रेड कलर को भी छेड़छाड़ करके अपना जो भी होगा कर सकते हो, बट आप लोग रहने दीजिएगा, ठीक है ना। इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, डन करेंगे, ठीक है। एंड देन डन करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी क्या करेंगे, यहां से एक बार और डन करेंगे, ठीक है। एंड डन करने के बाद देखिए लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करने में यहाँ से एक्सप्लोरर का हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और चलिए एक्सप्लोरर का हल्का सा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ठीक। और उसके बाद से विब्रेंस को हल्का सा बढ़ाएंगे, नहीं टेम्परेचर को रहने देंगे, शैडो को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से
बस रहने देंगे, ठीक है। शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। और शार्पनिंग को बढ़ाने के बाद मेरे प्यारे मित्रों डन कर लेंगे, ठीक है। एंड डन करने के बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, इधर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए इधर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, बट आप लोग को लाइटिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग देखिए ये वाला लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा 4 नंबर का, ठीक है। तो ये 4 नंबर का लाइटिंग इफेक्ट देख करके आप लोग यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से सिंपली यहाँ पे आप लोग बैक कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी आप लोग लाइटिंग इफेक्ट होगा बैक पर चला जाएगा, और जितना इसका ऑप्शिटी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं ब्लू टोन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो येलो टोन भी वहाँ से कर्व से कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद से डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद तो यहाँ से देखिए ऊपर कोने में आप लोग को सेव का एरो दिखता है, ठीक है ना। तो इस सेव बटन में क्लिक करके और देखिए आपका फोटो गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आप लोग गैलरी में हम दिखाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का फोटो है वो गैलरी में सेव हो चुका है। तो देखिए आप लोग का बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरीके से एडिटिंग हो चुका है। अब जो है कि आप लोग करना है फेस, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं फेस कैसे वन क्लिक में एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ से सिंपली आप लोग को क्या करना मेरे प्यारे मित्रों, अपने फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ से एडिट एल आर कर लेंगे, ठीक है। तो शेयर पे क्लिक करके और अपना फोटो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर लेके चलना है, तो सिंपली आप लोग का फोटो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले आप लोग क्या करना है, चलिए आप लोग को फेस को वाइट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सप्लोजर को हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे मित्रों कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे, आपका फोटो एच डी हो जाएगा। हाईलाइट को हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है। शेडो को बढ़ा देंगे और यहाँ से व्हाइटनेस को हल्का सा कम करेंगे, ब्लैकनेस को ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्या करना है, इतना काम होने के बाद आप लोग कलर पर क्लिक करेंगे, मिक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से सेकेंड नंबर कलर लेके लुमियंस कम करके और यहाँ से सेचुरेशन को कम करके और लुमियंस को फुल प्लस कर लेंगे, जितना आपको फेस को व्हाइट चाहिए उतना जो कि प्लस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से येलो कलर का छेड़ करके येलो कलर को रहने देंगे, ब्लू कलर को छेड़ करके अपना बैकग्राउंड को और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद से डन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो है कि आप लोग इफेक्ट पे क्लिक करके टेक्चर को क्लैरिटी को डेज को दोनों को हल्का हल्का सा प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। और 10, 12, 8 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। शार्पनिंग को आप लोग हाफ रख लेंगे और यहाँ से डिटेल्स को फुल कर लेंगे, ठीक है। मास्किंग को हल्का सा, फिर नॉइज पर क्लिक करके हाफ कर लेंगे, फर्स्ट नंबर को डिटेल्स को फुल कर लेंगे, मास्क कंट्रास्ट को हल्का सा, ठीक है। कलर नॉइज पर क्लिक करके हाफ कर लेंगे और डिटेल्स को फुल और स्मूथनेस लेवल को फुल, ठीक है। तो देखिए आपका फेस देखिए कितना अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब जो है कि चलिए आप लोगों को स्मूथ करके आप लोग को हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्या करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके और यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपना फोटो लेकर के चलना स्केच बुक एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आप लोग को स्मूथ करके हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्केच बुक एप्लीकेशन में शेयर करते हैं। एंड शेयर करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों आपका फोटो जो है कि स्केच बुक एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है ना। तो जो है कि आप लोगों को फर्स्ट नंबर का जो भी होगा ना लेयर उसको जो है कि डिलीट कर देना है, ठीक है ना। पहले वाला ऑप्शन को डिलीट कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से डिलीट कर रहा हूँ, देख ले सकते हैं। तो डिलीट कर दीजिएगा एंड डिलीट करने में जो भी आपका फोटो होगा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे चलिए आप लोग को बताते हैं कौन सा ब्रश आप लोग अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइब्रेरी पर क्लिक करके, ठीक है ना, और यहाँ से स्मूथ में आकर के ये ब्रश आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्मूथ में आने के बाद आप लोग ये ब्रश चूज करेंगे, ठीक है। ये ब्रश चूज करने में सेटिंग आप लोगों को एक एक रख लेना है, ठीक है ना, एक एक, ठीक है। आप लोग को ऐसा कोई नहीं बताया होगा, तो सिंपली एक एक रख लेना है। एंड अपने ब्रश के साइज को चेक करके और आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ज़्यादा ब्रश को बड़ा करके और अच्छे तरीके से जो है कि ब्रश को चलाएंगे, ठीक है ना। और चाहे तो अपने जो है कि फॉलो को बढ़ा सकते हो, 2-4 रख सकते हो, ठीक है ना। मेरे को तो आप लोग बताते हैं इसलिए कि आप लोग को अच्छे से ब्रश चलाना नहीं होता, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करेंगे ना अपने पूरे फेस पे चला लेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों क्या है कि अभी आप लोग को देखिए फेस को थोड़ा रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो जो है कि अभी आप लोग को हम व्हाइट करके दिखा रहे हैं, तो बस वीडियो में बने रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कि आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से अपने फेस को स्मूथ करेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि आप लोग फेस पर ग्लोइंग लेकर के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों मैं स्मूथ कर चुका हूँ, ठीक है। एंड देन चलिए आप लोग को फेस को अच्छे तरीके से वाइट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना मेरे प्यारे मित्रों, लास्ट स्टेप बच गया आप लोग को फेस को वाइट करना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर से लेयर वाला ऑप्शन क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक करके और आप लोग क्या करेंगे इस लेयर पर क्लिक करके और आप लोग इसको सॉफ्ट लाइट कर लेंगे, ठीक है ना। और मेरे प्यारे मित्रों इसको कलर का व्हाइट कलर को जो है कि व्हाइट ले लेंगे, ठीक है। और लाइब्रेरी पर क्लिक करके ये वाला ब्रश ले लेंगे, सिंथेटिक पेंट में मीडियम ब्रश ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, अपने फेस पर चलाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से चलाएंगे जो कि आपका फेस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो कि आप लोग को बता रहे, ठीक है, इस तरीके से जो है कि फेस को व्हाइट कर लीजिएगा एंड अच्छे
तरीके से आप लोग ब्रश को चलाएंगे, ठीक है ना। वीडियो लंबा आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों। ब्रश को चलाने के बाद आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग जो भी होगा लेयर पर क्लिक करके और इसका ऑपेसिटी को जितना चाहे आप लोग रख सकते हैं, जितना अपने फेस को चाहे व्हाइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपका फोटो बनकर रेडी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चले मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।